बैंकॉक, ये एक ऐसी डेस्टिनेशन है जो हर ट्रैवलर की बकेट लिस्ट में होती ही है। जब भी कोई पहली बार इंटरनेशनल ट्रिप प्लान करता है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है बैंकॉक, थाईलैंड। हाँ जी, अगर आप भी बैंकॉक का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि मैं आपको इसमें बताऊंगा 20 ऐसी प्लेसेस जिनको आपको ज़रूर से एक्सप्लोर करना चाहिए, उनके एड्रेसेस, उनकी टाइमिंग्स और उनमें क्या टिकट लगती है, यहाँ तक कि वहाँ पहुँचना कैसा है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में, चाहे आप पहली बार बैंकॉक जा रहे हो या फिर आप बार बार जाते हो, ये सारी टिप्स आपके काफ़ी काम आएंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वॉट फो, जो रिक्लाइनिंग बुद्धा के लिए जाना जाता है, एक मस्ट विजिट टेंपल है। यहाँ आप मैसिव गोल्ड प्लेटेड बुद्धा स्टैचू और ट्रेडिशनल थाई मसाज एंजॉय कर सकते हैं। वॉट फो थाईलैंड का सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट वॉट्स है और यहाँ का बुद्धा स्टैचू 46 मीटर लॉन्ग और 15 मीटर हाई है। ये टेम्पल वाकई देखने लायक है। बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ की एंट्री फीस एक फॉरनर्स के लिए टिकट है वो है 300 भात की। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक ये ओपन रहता है। आप यहाँ पे बसेस से भी पहुँच सकते हैं, यहाँ पे स्काई ट्रेन से भी पहुँचा जा सकता है और मेट्रो ट्रेन जिसको MRT बोलते हैं उससे भी पहुँचा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन आपको सारी डिस्प्ले पे शो हो रही हैं। वॉट अरुण टेम्पल ऑफ दीवान अपने टावर्स और कलरफुल डेकोरेशन के लिए फेमस है। चाओ फ्राया रिवर का ब्रीथ टेकिंग व्यू लेने के लिए टॉप तक जरूर ही क्लाइम करें। यह टेंपल सनराइज और सनसेट के टाइम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन होगा कि यहाँ पे आप सनसेट जरूर ही इंजॉय करें। बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ की फीस है 100 भात। टाइमिंग है ये सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ओपन रहता है और यहाँ के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है बसेस। यहाँ बसेस लेने के बाद आपको चाय फ्राया रिवर के पास से बोट लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 5 भात पे करने पड़ते हैं, तो वो भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आने के कुछ रूल्स भी हैं, वो यहाँ पे लगाए हुए हैं। यहाँ पे आप छोटे कपड़े या फिर थोड़े से अनकंफर्टेबल टाइप के कपड़े पहन के नहीं आ सकते हैं, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। वॉट ट्रैमिट यानी टेंपल ऑफ गोल्डन बुद्धा, यह मैसिव गोल्ड स्टैचू के लिए फेमस है। यह इंप्रेसिव साइट बैंकॉक के रिच रिलीजियस हेरिटेज का इंपॉर्टेंट पार्ट है। बुद्धा स्टैचू जो पूरा गोल्ड से बना है 5.5 टन का है और देखने लायक है। बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ की फीस है 100 भात। टाइमिंग की बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये ओपन रहता है। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन है मेट्रो MRT। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे शो हो रही है। जिम थॉम्सन हाउस एक सीनियर ओएसिस है सिटी के हर्ट में। ये म्यूजियम जो एक ट्रेडिशनल थाई स्टाइल हाउस में सेट है, जिम थॉम्सन स्किल आर्ट और लाइफ को शोकेस करता है। जो अमेरिकन बिजनेसमैन थे जिन्होंने थाई सिल्क इंडस्ट्री को रिवाइटलाइज किया था। यहाँ की गाइडेड टूर इंफॉर्मेटिव होती है और आपको थाई कल्चर और आर्किटेक्चर का डीप इंसाइट देती है। बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ पे एडल्ट्स के लिए 200 भात और चिल्ड्रंस के लिए 100 भात आपको पे करने पड़ते हैं। बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ये ओपन रहता है। बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो बेस्ट ऑप्शन है बसेस से आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं और दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे BTS, जिसके लिए आपको उतरना पड़ेगा नेशनल स्टेडियम और वहां से 5 मिनट की वॉक करके आप यहां पे पहुंच सकते हैं। द ग्रैंड पैलेस एक डिजलिंग आर्किटेक्चर मास्टरपीस है। यह कॉम्प्लेक्स 1782 से सियाम के राजाओं का ऑफिशियल रेजिडेंस रहा है। यहां पे टेंपल ऑफ एमाल्ट बुद्धा को जरूर देखें, जो कि थाईलैंड का सबसे रिवर्स साइट में से एक है। यहां की इंट्रिकेट आर्किटेक्चर और ब्यूटीफुल ग्राउंड्स बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है। बात करें यहाँ की एंट्री फीस की, तो वो है 500 भात। यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 8:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक ही आपको टिकट्स मिलती हैं। बात करें यहाँ के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की, तो वो है BTS और बोट, दोनों की मदद से यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आप स्काई ट्रेन से सफकिन टस्किन स्टेशन पर पहुँचे और वहाँ से एग्जिट नंबर 2 से बाहर निकल के चाओ फ्राया एक्सप्रेस बोट लेकर थाईचांग पियर पहुँचे। वहाँ से चंद मिनटों की वॉक करके आप द ग्रैंड पैलेस पहुँच सकते हैं। लुम्फनी पार्क एक ग्रीन ओएसिस है जो सिटी के बिल्कुल बीचों बीच में स्थित है। यहाँ पे आप जॉगिंग कर सकते हैं, पैडल बोटिंग कर सकते हैं और थाई चाय इंजॉय कर सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग और लेट आफ्टरनून में लोकल रेजिडेंट यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, आप भी कर सकते हैं और आपको एक पीसफुल ब्रेक मिल सकता है सिटी के हेजल बेजल से। यहाँ पे वोटिंग करना बिल्कुल फ्री है, वोटिंग के लिए आपको 1 भी रुपया पे नहीं करना पड़ता है।
साथ ही यहाँ पे आपको काफी सारे छोटे छोटे कैफेज भी मिल जाएंगे जिनपे आप यहाँ का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हैं, और साथ में बच्चों के लिए यहाँ पे काफी सारे झूले वगैरह मिल जाएंगे जिसपे बच्चे काफी इंजॉय करेंगे। बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो यहाँ की टाइमिंग है सुबह 4:30 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये पार्क ओपन रहता है। इस पार्क का जो टोटल एरिया है वो है 57 हेक्टेयर। यहाँ पे पहुंचने के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है स्काई ट्रेन, जिसको BTS बोलते हैं। उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा साला दियांग स्टेशन पे और वहां से 2 मिनट की वॉक करके आप पार्क में पहुंच सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है मेट्रो MRT, उसके लिए आप लुम्फनी या सिलोम स्टेशन में से किसी भी एक स्टेशन पर उतर सकते हैं और वहां से 2 से 4 मिनट की वॉक करके आप पार्क पहुंच सकते हैं। बात करें यहां की टिकट की, तो यहां की एंट्री एकदम फ्री है। हाँ जी, तो अगली डेस्टिनेशन है एशियाटिक रिवर फ्रंट। बात करें एशियाटिक रिवर फ्रंट की, तो ये चाओ फ्राया रिवर के बैंक पर एक लार्ज ओपन एयर मॉल है। यहाँ पर आप शॉपिंग, डाइनिंग और एंटरटेनमेंट का मजा एक ही जगह पे ले सकते हैं। साथ ही फेरी व्हील्स को मिस ना करें स्टनिंग नाइट व्यू के लिए। यहाँ का फूड कोर्ट और रिवर साइड रेस्टोरेंट ट्राई करने लायक है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे शाम के टाइम सनसेट का अपना ही अलग मजा है, तो आप यहाँ पे शाम को सनसेट को होते हुए देख सकते हैं। बात करें एशियाटिक रिवर फ्रंट की टाइमिंग की, तो ये पूरे दिन खुला रहता है, पर मेरी तरफ से रिकमेंडेड रहेगा कि यहाँ पे आप शाम के टाइम आए, जिसका एक आपको अलग ही मजा आएगा। बात करें यहाँ पे पहुंचने के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की, तो वो है आप BTS और बोट के थ्रू यहाँ पे पहुंच सकते हैं। स्काई ट्रेन से आप सबसे पहले उतरे सैफन तक्सकिन स्टेशन पे और वहां से जो है फ्री शटल बोट लेके आप 10 मिनट में पहुंच सकते हैं एशियाटिक रिवर फ्रंट। ये जो बोट है ये रात के 10 बजे तक चलती है और हर आधे घंटे पे आपको फ्री शटल बोट मिल जाएगी, ये बोट एकदम फ्री है। बात करें एशियाटिक रिवर फ्रंट की टिकट की, तो यहाँ पे एंट्री के लिए कोई भी पैसा पे नहीं करना पड़ता, वो एकदम से फ्री है। यहाँ पे आप जो भी राइड या जो भी फूड एंजॉय करेंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बैंकॉक नेशनल म्यूजियम थाईलैंड के रिच कल्चर हेरिटेज को एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट जगह है। यहाँ आपको एंशियंट आर्टिफैक्ट्स, रॉयल रिगालिया और हिस्टोरिकल एग्जीबिशंस देखने को मिलेंगे। यह म्यूजियम थाईलैंड की हिस्ट्री और आर्ट्स के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ की फीस है 2000 baht। टाइमिंग है यहाँ की सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये ओपन रहता है। बात करें ट्रांसपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे बसेस और स्काई ट्रेन दोनों से ही पहुंचा जा सकता है। डैम नियॉन फ्लोटिंग मार्केट में ट्रेडिशनल थाई वे में आप शॉपिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यहाँ बोट पर फ्रेश प्रोडक्ट्स, हैंडक्राफ्ट और स्ट्रीट फूड बिकता है। यहाँ पे बेस्ट रिकमेंडेड टाइम होगा कि यहाँ पे आप मॉर्निंग में विजिट करें फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस, जब मार्केट फुल्ली एक्टिव होता है। यह एक अपने आप में बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होने वाला है, तो बैंकॉक में इसको एक्सपीरियंस करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करें यहाँ की फी की, तो यहाँ की एंट्री फी कुछ भी नहीं है, पर हाँ आपको बोट के लिए पे करना पड़ता है, जो कि लगभग 200 से 400 baht आपको पे करने पड़ सकते हैं, या आप अपने हिसाब से बार्गेन कर सकते हैं। बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप मॉर्निंग में जाएं। यहाँ के लिए बेस्ट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है ट्रेन। यहाँ पे आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं और आपको बसेस भी मिल जाती हैं, जिसकी इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे शो हो रही है। मैकलोंग रेलवे मार्केट का यूनिक एक्सपीरियंस मिस ना करें। यहाँ ट्रेन लिटरली मार्केट के बीच से गुजरती है। लोकल वेंडर्स जल्दी से अपनी दुकान को ट्रेन के आने से पहले हटा लेते हैं। यह एक्सपीरियंस बहुत ही थ्रिलिंग और मेमोरेबल होने वाला है, तो इसको आप जरूर ही ट्राई करें। बात करें यहाँ की एंट्री फी की, तो आपको कोई भी एंट्री फी यहाँ पे नहीं करनी पड़ती है। बात करें टाइमिंग की, तो आप ट्रेन की टाइमिंग को रेलवे के चार्ट से चेक कर सकते हैं। बात करें यहाँ के बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की, तो वो है रेलवे। यहाँ पे आप ट्रेन से पहुंच सकते हैं, बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे शो हो रही है। फैमिली के साथ एक फनफुल डे स्पेंड करने के लिए ड्रीम वर्ल्ड एक काफी परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यह एक अम्यूजमेंट पार्क है। यहाँ आप थ्रिलिंग राइड्स, शोज और ब्यूटीफुल गार्डन्स को एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही ड्रीम वर्ल्ड में एक स्नो टाउन भी है, जहां आप रियल स्नो को भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि थाईलैंड की हीट से रिफ्रेशिंग चेंज आपके लिए रहेगी। बात करें यहां की फीस की, तो यहां की जो एंट्री फीस है वो एडल्ट के लिए 1000 baht है। टाइमिंग ये सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ओपन रहता है। ट्रांसपोर्ट का बेस्ट ऑप्शन है बसेज। यहां के लिए आपको काफी सारी बसेज मिल जाएंगी, आप बसेज से यहां पहुंच सकते हैं। हाँ जी, तो अगली डेस्टिनेशन है पैटपोंग नाइट मार्केट। पैटपोंग नाइट मार्केट में आपको वाइब्रेंट नाइट लाइफ और यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। यहाँ आपको ट्रेंडी फैशन, एसेसरीज और सोवेनियर मिलेंगे, लेकिन यहाँ की नाइट लाइफ थोड़ी लाइवली और एडल्ट थीम हो सकती है, तो थोड़ा अवेयर रहें।
बात करें पैटपोंग नाइट मार्केट की टाइमिंग की, तो ये शाम को 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक लगती है। यहाँ की टिकट की बात करें तो वो बिल्कुल ही फ्री है। यहाँ पे जो भी आप खरीदेंगे उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बात करें यहाँ के ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे आप स्काई ट्रेन से भी पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा साला दियांग स्काई ट्रेन के स्टेशन पे, वहाँ से 5 मिनट की वॉक करके आप पहुँच सकते हैं। साथ ही दूसरा ऑप्शन है MRT, यहाँ पे आप मेट्रो से भी पहुँच सकते हैं। उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा सिलोम मेट्रो स्टेशन पे और वहाँ से आप 5 मिनट की वॉक करके यहाँ पे पहुँच सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। नेक्स्ट प्लेस है प्रथनुम नाइट मार्केट। प्रथनुम नाइट मार्केट शॉपाहॉलिक्स के लिए एक हेवन है। यहाँ आपको फैशनेबल क्लॉथिंग, एसेसरीज और स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स मिलेंगे। यह मार्केट अफोर्डेबल प्राइसेस के लिए भी फेमस है, तो बार्गेनिंग जरूर करें फॉर बेस्ट डील्स। बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो यह सुबह 9 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक ओपन रहती है। एंट्री फी की बात करें तो एंट्री फी बिल्कुल फ्री है। बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए, तो यहाँ पे स्काई ट्रेन और बसेस दोनों से ही पहुंचा जा सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है। नेक्स्ट है रिवर फेरी या फिर कैनाल फेरी। बैंकॉक के वाटरवेज एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है रिवर फेरी या फिर कैनाल फेरी। ये अफोर्डेबल और सीनिक ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस आपको सिटी के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स को दिखाते हैं। ये राइड आपको बैंकॉक की रियल एसेंस फील करने का मौका देगी और चाओ फ्राया रिवर और उसके कैनाल्स की ब्यूटीफुल व्यूज भी आपको प्रोवाइड करेगी। बात करें रिवर फेरी की टाइमिंग की, तो वो है सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। यहाँ पे जो है आपको एक्सप्रेस बोट की बोट्स मिल जाती हैं, जो कि हर 30 मिनट में एक बोट आती है। बात करें इसके फेयर की, तो 16 भात फिक्स फेयर मेरे को पे करना पड़ा था। यहाँ पे साथ ही आप छोटी बोट्स ले सकते हैं और साथ में आपको पर्सनल क्रूज भी मिल जाते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे काउंटर्स हैं, वहाँ पे अलग अलग रेट के आपके हैं, आप अपने हिसाब से पता कर सकते हैं। चाटुचक वीकेंड मार्केट वर्ल्ड के लार्जेस्ट मार्केट में से एक है। यहाँ 15,000 से ज्यादा स्टॉल्स हैं। यहाँ आपको यूनिक ट्रेंडी क्लॉथिंग्स, यूनिक सोविनियर्स और डिलीशियस स्ट्रीट फूड सब कुछ मिलेगा। मार्केट का लेआउट थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप अपने साथ मैप जरूर लें और अपना टाइम इंजॉय करें। बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ एंट्री फ्री है। यह मार्केट सैटरडे और संडे को लगता है शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। बात करें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की, तो आप स्काई ट्रेन ले सकते हैं। उसके लिए आपको उतरना पड़ेगा मौचित स्टेशन पे। साथ ही आप यहाँ पे मेट्रो ट्रेन MRT से भी पहुंच सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे इंफॉर्मेशन शो हो रही है। खाओसन रोड बैंकॉक की वाइब्रेंट नाइट लाइफ का एक एपिक सेंटर है। यहाँ पे काफी सारी स्ट्रीट बार्स, क्लब्स और स्ट्रीट परफॉर्मेंस होती रहती है। यहाँ की नाइट लाइफ एनर्जेटिक और डाइवर्स है और यहाँ पे आपको अलग अलग कल्चर्स और अलग अलग कंट्रीज के काफी सारे लोग मिलेंगे। पार्टी करने के लिए जगह एकदम परफेक्ट प्लेस है। बैंकॉक की प्रॉपर नाइट लाइफ को एंजॉय करने के लिए जगह एकदम परफेक्ट है। बात करें यहाँ की टाइमिंग की, तो ये पूरे दिन खुलती है, पर मेरी तरफ से बेस्ट रिकमेंडेड टाइम होगा नाइट के टाइम। बात करें यहाँ की फीस की, तो यहाँ की कोई भी फीस नहीं है, पर हाँ आप अंदर जिस भी क्लब में जाते हैं वहाँ की एंट्री फीस आपको देनी पड़ सकती है और जो भी आप पियेंगे उसका आपको पे करना पड़ सकता है। चाय फ्राया रिवर पर सनसेट का व्यू अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस है। रिवर क्रूज लेकर इस ब्रीथ टेकिंग साइट को एंजॉय करें या फिर आप रिवर फ्रंट रेस्टोरेंट्स और बार से भी इस ब्यूटीफुल सीन का मजा ले सकते हैं। चाइना टाउन। बैंकॉक का चाइना टाउन एक होलसेल मार्केट है। यहाँ पे आप काफी सारी शॉपिंग भी कर सकते हैं और रात के टाइम आप यहाँ पे काफी सारा अच्छा डिलीशियस स्ट्रीट फूड भी एंजॉय कर सकते हैं। बैंकॉक का चाइना टाउन एक कैलिनरी पैराडाइज है। यहाँ की नाइट मार्केट में आपको डिलीशियस और अफोर्डेबल फूड मिलेगा, जो आपकी टेस्ट बर्ड्स को एक्साइट करेगा। बात करें यहाँ की एंट्री फी की, तो वो बिल्कुल फ्री है। टाइमिंग की बात करें, अगर आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो इवनिंग में जाएं, अगर आपको फूड के लिए जाना है तो आप नाइट में जाएं। बात करें यहाँ के बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शन की, तो यहाँ पे मेट्रो से पहुंचा जा सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे शो हो रही है। बैंकॉक के बाहर एक डे ट्रिप के लिए अयोध्या जाएं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ एंशियन टेंपल और रुइंस को एक्सप्लोर करने का यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। ये हिस्टोरिक साइट वन सियाम किंगडम का कैपिटल थी और यहाँ के वेल प्रिजर्व्ड रुइंस आपको थाई हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का ग्लिम्स देते हैं। यह एक फुल डे ट्रिप होने वाली है। बैंकॉक से यहाँ पहुंचने में लगभग आपको 1.5 से 2.5 घंटे लगेंगे और यह एक फुल डे ट्रिप होने वाला है। बात करें एंट्री की, तो यहाँ एंट्री एकदम फ्री है। ट्रांसपोर्ट की बात करें, तो बेस्ट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन रहेगा ट्रेन। यहाँ बसेस से भी पहुंचा जा सकता है और ट्रेन से भी। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले पे शो हो रही है।
कंचनापुरी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और नेचुरल ब्यूटी का कॉम्बिनेशन ऑफर करता है। यहाँ आप रिवर कवाई ब्रिज और स्टनिंग वाटरफॉल्स देख सकते हैं। यह जगह वर्ल्ड वॉर टू के हिस्ट्री और डेथ रेलवे के लिए फेमस है। एरावन नेशनल पार्क और उसके मल्टी टायर्ड वाटरफॉल्स देखने लायक है। यह भी एक वन डे ट्रिप आपकी होने वाली है और यहाँ भी पहुँचने में बैंकॉक से लगभग 2 से 2.5 घंटे आपको लगेंगे। बात करें यहाँ के बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस की तो वो रहेगी ट्रेन और बसेस, दोनों से ही यहाँ पे पहुँचा जा सकता है और यहाँ की भी कोई भी एंट्री फी नहीं है। अगर आपको नेचर से प्यार है तो डेफिनेटली ये जगह आपके लिए होने वाली है।